नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी BCom की एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाला हूं और साथ में उसका आंसर की भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का है। क्वेश्चन पेपर और आंसर की के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में BCom के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, BCom के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है यानी कि इसमें किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है। फिर बात करेंगे कि पिछले साल यानी कि 2020 में कट ऑफ कितना था अलग अलग कैटेगरी के लिए। फिर मैं आपको बताऊँगा गोरखपुर विश्वविद्यालय में BCom के एंट्रेंस की तैयारी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में BCom के एंट्रेंस के लिए क्या पैटर्न होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो फ्रेंड्स, गोरखपुर विश्वविद्यालय में BCom के एंट्रेंस में आपसे कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो होता है यानी कि पूर्णांक वो 200 नंबर का होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बात करें कि क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है लैंग्वेज प्रोफियंसी। आपको 10 क्वेश्चन हिंदी से देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज से ही पूछा जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड से देखने को मिलेंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, बैंकिंग से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, बिजनेस एनवायरमेंट से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि जो मैं आपको स्क्रीन पे जितने भी सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, इन्हीं से कुल 100 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको केवल इन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करना है और ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इंटरमीडिएट लेवल के ही हैं। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी इंटरमीडिएट लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। यानी कि 2020 में BCom के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय ने क्या कट ऑफ जारी किए थे, चलिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, उनके लिए 118 नंबर रखे गए थे। OBC के लिए 106 नंबर रखे गए थे। EWS के लिए 40 नंबर। SC और ST कैटेगरी के लिए 78 नंबर रखे गए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप गोरखपुर विश्वविद्यालय के BCom के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न, सिलेबस और कट ऑफ से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वीडियो देखने के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। Thank you.
तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।